हेलो एवरीवन, दिस इज अजीत एंड वाचिंग फूडी बावला। आज का ट्रिप एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्रिप है बिकॉज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट। आप लोगों ने सुना होगा जिम कॉर्बेट किस चीज़ के लिए फेमस है। थोड़ा सा वेदर भी बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जिम कॉर्बेट का थोड़ा सा लोकेशन देख क्या है, कैसा है कैसा नहीं है। बेसिकली ये बाइक राइड नहीं है, हम लोग मैं बाइक से नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कार से जा रहे हैं हम लोग। सो ये अराउंड 205 किलोमीटर्स है गाज़ियाबाद से। तो बेसिकली आई ट्राई कि पूरा ट्रिप तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, जो रास्ते में कुछ ढाबे पड़ते हैं, एक दो ढाबे अच्छे होंगे वहाँ पे हम रुकेंगे, उसके बारे में आपको बताऊँगा। प्लस जिम कॉर्बेट के अंदर कौन सा होटल अच्छा है, कौन सा होटल बुक करना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मिलती हैं, और ऑब्वियसली वेदर कैसा है और क्या अच्छा खाना है वहाँ पर, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो लेट्स गो। भाई अपन आ गए कहाँ पे? शिवा ढाबा। शिवा ढाबा, ये है अपना भाई अमन, पहचान लो, देख लो, जान लो, ये भाई कराएगा सब्सक्राइब। तो ऐसा है, अभी हम गाज़ियाबाद से आ गए करीबन कितना, 30 किलोमीटर के आसपास आ गए। अभी यहाँ से बचा है कुछ 180 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है भाई, बाकी हमारे दोस्त लोग उधर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑफिशियल ट्रिप है, पहले बता दे रहा हूँ भाई। तो खर्चा जो भी स्पॉन्सर हो रहा है ये लड़का कर रहा है स्पॉन्सर सारा। तो अगला ट्रिप कोई भी बनाए तो भाई के साथ बनाएगा। तो अभी यहाँ पे भाई, इसके बाद ही शिवा ढाबा है। रास्ते में कभी आप जाते हो गढ़ की तरफ जाते हो तो आप यहाँ पे शूट कर सकते हो, यहाँ पे आके रुक सकते हो, और चाय पानी के लिए, चाय पानी के लिए बहुत अच्छा प्लेस है ये। और भाई देख लो, गाड़ी भी देख लो, गाड़ी भी अपनी क्लास है, गाड़ी दिखा देता हूँ पूरी। ये गाड़ी है अपनी, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट ढाबे पर कहीं रुकते हैं या फिर होटल पर रुकेंगे सीधा, तो फिर वहाँ पर शूट करते हैं। चलो अभी हम आ गए हैं अपने रिजॉर्ट पे। यार बहुत लंबा सफ़र हो गया, अराउंड 6 घंटे का। रास्ते में हम एक जगह थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, गलत चले गए थे, सो उसके अंदर हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया। अभी हम अपने रिजॉर्ट पे आ गए हैं, कॉर्बेट जंगल ट्रेजर रिजॉर्ट। काफ़ी अच्छा है इसका, मैं भी दिखाता हूँ आपको व्यू, और काफ़ी अच्छा व्यू है। उसका रेस्ट करेंगे, देन देखते हैं आगे क्या है, आगे प्लान बाद में बताते हैं। अभी थोड़ा थका हुआ हूँ तो फिर बाद में बात करता हूँ। ये है जिम कॉर्बेट का नया नज़ारा, पानी रास्ते पे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी गए फर्स्ट,
निकलने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। तो देखो दूर से दिखाता हूँ पानी का व्यू क्या है, बीच से जा रहा है पानी, डिजास्टर कह सकते हैं उसको जिम कॉर्बेट का। नेटवर्क नहीं आ रहा। भाई हाँ, ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं सारी यहाँ पे दोनों तरफ, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, तो हम लोग थोड़ा बैग जाने की सोच रहे हैं, अभी देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं जिम कॉर्बेट से वापस। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग ट्रिप, लॉन्ग नहीं थोड़ा सा एडवेंचरर हो गया था, बिकॉज जब हम वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा बारिश, मतलब उस दिन तो मौसम थोड़ा गर्म था, बट रात को वहाँ नेक्स्ट डे वहाँ मॉर्निंग जब निकल रहे थे तो वहाँ पे बारिश का प्लान हो गया था जब हम जंगल सफारी के लिए जाने वाले थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस होटल का ही रहा, और होटल के पास ही कुछ बारह सिंगा आ गए थे और ऐसे, और इट वाज अ एक ऑफिशियल ट्रिप था तो ठीक है। गाइस अभी कुछ और चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर रहा हूँ अपने इस ब्लॉगिंग चैनल के लिए, जैसे कि एक मैंने ये ट्रैपॉड लिया है, ज़्यादा लाइक अभी इसको मैं अनबॉक्सिंग का कुछ सीन है नहीं मेरा बेसिकली, हाँ बट ये ट्राईपॉड लिया है, देखते हैं कैसा कितना यूज़ हो पाता है। और एक ये छोटा गोरिल्ला स्टिक, काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था। सो ये मैंने लिया नहीं है, ये मुझे गिफ्ट किया है आप लोगों की भाभी ने, मुझे गिफ्ट किया है ये। तो अभी देखते हैं कितना इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो के अंदर, एंड वीडियो में ज़्यादा कुछ खास था नहीं एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ हम कर नहीं पाए वहाँ पे। सो माइट बी नेक्स्ट टाइम इसको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और वन मोर थिंग कि अगर गाइज बेसिकली मेरा कंसर्न ये था कि एज सुन एज पॉसिबल मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो, 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा हो, जिससे मैं आगे थोड़ा इसको और इम्प्रूव करूँ, थोड़ी सी बड़ी राइड्स करना स्टार्ट करूँ। सो माइट बी नेक्स्ट वीक मैं लखनऊ का ट्रिप मारने वाला हूँ। सो आई होप 500 सब्सक्राइबर्स का मैं प्लान कर रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। तो अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कुछ अगर फीडबैक है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ। एंड एज यूजुअल बी वट और वट यू वॉन्ट टू बी एंड टाटा बाय।